नमस्कार, मैं रेनू अग्रवाल, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार जिले के धामनोद पुलिस ने स्वराज इंडिया चिटफंड कंपनी के 3 लोगों को उज्जैन से गिरफ्तार किया। कंपनी ने धामनोद क्षेत्र के 93 लोगों से 40 लाख की धोखाधड़ी की थी। लोगों को कम समय में 2 गुना मुनाफा देने के नाम पर चिटफंड कंपनी के लोगों ने मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक पैसे जमा करवाए और कंपनी के कर्ता धर्ता पैसे लेकर रफू चक्कर हो गए। स्वराज इंडिया कंपनी का धामनोद में ऑफिस था, लिहाजा लोग कंपनी के एजेंट के झांसे में आ गए और लोगों ने अपनी गाड़ी कमाई कंपनी में लगा दी। धामनोद थाना प्रभारी राजकुमार यादव ने बताया कि कंपनी ने जमीन देने के नाम पर लोगों से रुपए एकत्रित किए, हालांकि रुपए नहीं मिलने के बाद लोगों ने धामनोद थाने पर शिकायत दर्ज करवाई। 1 वर्ष पूर्व 420 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया था। आरोपी की तलाश की जा रही थी, आरोपी फरार थे। अब धामनोद पुलिस ने 3 आरोपियों को उज्जैन से गिरफ्तार किया है, आगे की कार्रवाई जारी है। देखे खबर इसके पिलाई न्यूज पर। एक स्वराज इंडिया कंपनी थी जिसका एक ऑफिस धामनोद में था, तो यहाँ जो हितग्राही थे उन्होंने कंप्लेंट की थी करीब 1 साल पहले कि हमें ज़मीन का लालच दे करके हमसे डबल पैसे के लिए हमने रुपए मंथली जमा किए थे, लेकिन वो कंपनी जो स्वराज इंडिया कंपनी थी वो पैसे लेके भाग गई और लोगों को जो हितग्राही थे उनको पैसे नहीं दिए गए थे। इस आधार पर करीब 1 साल पहले FIR थाना धामनोद पर पंजीबद्ध किया गया था। 420 का केस पंजीबद्ध था, उसमें जो आरोपी थे काफ़ी समय से फरार चल रहे थे, उन्हें आज 3 लोगों को उसमें गिरफ्तार किया गया है। उसमें कंपनी के 2 जो मेन आदमी हैं और एक मैनेजर है, उनके नाम है जयचंद झा, शिवकुमार तिवारी और जीवन विश्वकर्मा, जो आज गिरफ्तार हुए। उनके खिलाफ़ विधिवत कार्रवाई की जा रही है। उनको उज्जैन से पकड़ के लाए हैं और आज गिरफ्तारी उनकी ली है। अभी तक हमारे पास 93 आवेदक आए हैं, करीब 40 लाख रुपए का गबन का आया है। और भी आवेदक अगर आते हैं तो उनको भी उसमें ऐड किया जाएगा और उनको राशि की जो भी प्रोसेस रहेगी वो दिलाने का प्रयास किया जाएगा। राजकुमार यादव, थाना प्रभारी, धामनोद।